In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. And with the 99 names of Allah Almighty, who just says be and it is done. Dear students, today our topic is related to the liquefaction of gases. आज का लेक्चर हमारा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस से रिलेटेड है. आज हम देखेंगे कि जो गैसेस होती हैं उनमें लिक्विफैक्शन की टर्म क्या होती है, उनको कैसे लिक्विफाई किया जाता है, उसके बाद कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के बारे में बहस करेंगे, और लास्ट पर हम इन्हीं क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के लिए जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. सबसे पहले आपको बताता चलूं कि लिक्विफैक्शन होती क्या है. लिक्विफैक्शन इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ गैस इंटू लिक्विड. जब हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लिक्विफैक्शन का नाम देते हैं. लिक्विफैक्शन का दूसरा नाम कंडेंसेशन भी होता है, जो आपने डेली लाइफ में सुना होगा. सो कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन इज़ द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझिएगा स्टार्ट में ही. गैस का मतलब क्या होता है? गैस मीन्स लो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस. गैस का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे. और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस. गैसेस की निस्बत जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा होंगी, और मॉलिक्यूल भी उन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से करीब करीब होंगे. तो अब हम फिर इसी डेफिनेशन से एक और मतलब भी निकाल सकते हैं कि द चेंजिंग ऑफ लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनटू हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सब्सटेंस इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन. कि ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं उससे ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट होना या चेंज होना जिस सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं उसको हम लिक्विफैक्शन का नाम देते हैं. अब इन चीज़ों को बताने का मकसद ये था कि अब आगे हम जब इनकी कंडीशंस को डिस्कस करें तो वहाँ पर आपको समझने में आसानी हो सके. तो अब इसी लिक्विफैक्शन की कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके ऊपर जो लिक्विफैक्शन है वो आसानी से हो सकती है. लिक्विफैक्शन की कंडीशन में सबसे पहले लो टेम्परेचर है, मतलब जब हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उसका टेम्परेचर लो होना ज़रूरी है. अब आप पूछेंगे कि सर इसका टेम्परेचर लो क्यों होना चाहिए? अब लो टेम्परेचर पर क्या होता है? लो टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज़ एट्थ पार्टलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब अगर टेम्परेचर कम है, जब टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल्स लेस रैंडमली मूव करेंगे, उनकी मोशन में कमी आ जाएगी. और अगर हम टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज करते चले जाएंगे तो फिर उनकी जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो सीज हो जाएगी, और जब मॉलिक्यूलर मोशन सीज होगी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी. जाहिर सी बात है जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तभी उनकी मॉलिक्यूलर मोशन में कमी आएगी. जी तो बिल्कुल, जब हमने टेम्परेचर कम किया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हुई? ज़्यादा. मतलब पहले क्या थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? कम. यानी जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम थी तो उस वक्त जो रैंडम मोशन थी वो क्या थी? ज़्यादा. यानी कौन सी कंडीशन थी? गैसेस. और जब हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? जब टेम्परेचर कम कर दिया मॉलिक्यूलर मोशन में कमी, मॉलिक्यूलर मोशन में कमी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस सब्सटेंस में ज़्यादा होती हैं? लिक्विड. एग्जैक्टली. तो फिर ये बात साबित हुई कि जब टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर जो कन्वर्जन ऑफ गैस है वो लिक्विड में आसान होता चला जाएगा. उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है दैट इज़ हाई प्रेशर. हाई प्रेशर को भी हम कुछ इसी तरह से प्रूव करेंगे कि हाई प्रेशर पर लिक्विफैक्शन आसान कैसे होती है. अब सपोज करें एक कंटेनर को, उस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और वो रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं अपने साथ भी और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी, और वहाँ पर प्रेशर आपने एक नॉर्मल प्रेशर रखा हुआ है. अब जूँ ही आप प्रेशर को इनक्रीज़ करेंगे
जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। तो हमने ये नहीं पढ़ा कि जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, तो गैस में क्या थे, एक दूसरे के दूर दूर थे, और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं। तो फिर जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए तो फिर वो कौन सा सब्सटेंस होने की तरफ जाएंगी, दैट विल बी लिक्विड। तो ये बात साबित हुई कि अगर हाई प्रेशर होगा तब भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो डेवलप होंगी, और वो हमारे पास वो जो सब्सटेंस जो कि पहले गैस था, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं तो वो आस्ता आस्ता हमारे पास लिक्विड में वो चेंज होता चला जाएगा। सो ये दो कंडीशंस जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाई, ये लिक्विफैक्शन के लिए होना लाजमी है। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। इस क्रिटिकल टेम्परेचर को समझने के लिए पहले एक बात समझ लीजिएगा कि ऊपर हम बात कर रहे थे लिक्विफैक्शन की, मतलब कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। हम ऊपर जितनी भी डिस्कशन कर रहे थे वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं तब यहाँ पर हम लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर क्या था, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, और क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लिक्विड से गैस की चेंजिंग की टर्म में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो अब फर्ज करें ये क्रिटिकल टेम्परेचर को, कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड रह सकता है। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, वो कुछ इस तरह से कि अगर फ़र्ज़ करें टेम्परेचर क्या हुआ, ज़्यादा, टेम्परेचर को ज़्यादा किया हमने, जब टेम्परेचर को ज़्यादा किया तो उस वक्त जो मॉलिक्यूलर मोशंस हैं यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, और एक दूसरे से दूर दूर चले जाने वाली सब्सटेंस कौन सा होता है, दैट इज़ गैस। सो जब हम टेम्परेचर को हाई करेंगे तो फिर वो वाला सब्सटेंस जो पहले लिक्विड था, जो वो वाला सब्सटेंस जो पहले लिक्विड था और वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की वो नॉर्मल थी, जब हमने टेम्परेचर को हाई करते गए तो फिर वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मूव करते चले गए, और एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा टेम्परेचर आया जहाँ पर मॉलिक्यूल्स इतने दूर चले गए कि अगर हमने उससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फिर वो उस सब्सटेंस की स्टेट ही चेंज हो जाएगी, और वो उस सब्सटेंस की स्टेट जो होगी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि वो वाला टेम्परेचर है जिसके ऊपर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, अगर उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर करेंगे तो लिक्विड लिक्विड नहीं रहेगा बल्कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसी तरह से क्रिटिकल प्रेशर को भी समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर को हमने लिक्विफैक्शन में देखा, अब वो वाला प्रेशर जो कि लिक्विफैक्शन के लिए सूटेबल होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ साथ ऐसा प्रेशर जो कि लिक्विफैक्शन के लिए सूटेबल होता है यानी प्रॉपर प्रेशर होता है, उसको हम क्रिटिकल प्रेशर का नाम देते हैं। और ये वाला मैंने पॉइंट एट क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा। अब ये वाला पॉइंट बड़ा ज़रूरी है। अब एट क्रिटिकल टेम्परेचर दिखने में बड़ा आपको सादा सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके लिखने का मकसद सुनिएगा ज़रा, वो कुछ यूँ है कि अगर तो सिर्फ क्रिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ क्रिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर का होना लाजमी है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक एग्ज़ाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो गैसेस हैं उनके अंदर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है और क्रिटिकल प्रेशर उनकी वैल्यूज़ वेरी कर रही होती हैं। तो एग्ज़ाम्पल में हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को लिया है। अब ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 154.4 केल्विन होता है, और अगर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और अगर हम दूसरी गैस अमोनिया की बात करें तो वहाँ पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज़ 405.6 केल्विन, और सॉरी 405.6 केल्विन, और अगर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको वेरिएशन दिखाई दे रही है,
ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ और है, अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ और है। आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में क्रिटिकल टेम्परेचर कम क्यों है और अमोनिया के केस में जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज़्यादा क्यों है। तो इसके आंसर के लिए ज़रा क्रिटिकल टेम्परेचर को रिकॉल कीजिएगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड नहीं रहता, उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिएगा ज़रा ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है ये नॉन पोलर गैस है। ये ऑक्सीजन नॉन पोलर गैस है मतलब इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके पोल्स नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं हैं तो फिर जो अट्रैक्ट करने वाले पोल्स हैं वो भी कम ही होंगे। जब अट्रैक्ट करने वाले पोल्स कम हैं तो फिर उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होगी। तो जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो फिर उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो भी कम ही होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अवे होते हैं और लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इस वजह से जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ऑक्सीजन का वो लो होता है। और अगर अमोनिया की बात करें तो फिर अमोनिया जो गैस है वो पोलर गैस है, मतलब यहाँ पर पोल्स मौजूद हैं। नाइट्रोजन भी एक पोल है, नाइट्रोजन एक पोलर एटम है और हाइड्रोजन भी एक पोलर एटम है। और नाइट्रोजन के ऊपर आपको पता है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिए जरा अमोनिया के अंदर पोल्स डिवेलप हो गए हैं। जी सर बिल्कुल डिवेलप हो गए हैं। तो जब पोल्स डिवेलप हो गए हैं तो फिर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी पोल्स के अंदर ज़्यादा होगी। जब पोल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो फिर उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। मतलब उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा तो फिर वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, मतलब वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, वो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि हम इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस हैं वो उनको ब्रेक कर सकें और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अवे मूव करवा सकें। इसकी रीज़न को मैंने इसकी रीज़न को एक सिंगल वर्ड के अंडर लिख दिया, दैट आर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनकी ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके ज़्यादा होने की वजह हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और सॉरी ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम होने की वजह इसके अंदर लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और अमोनिया के अंदर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होने की वजह इसके अंदर हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि पोलर नेचर की वजह से डिवेलप हुई हैं। अब यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया कि अगर हम पोलर गैसेस की बात करेंगे तो पोलर गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो फिर जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो फिर उनको गैसेस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना क्या है, आसान। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, ज़्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब ज़्यादा हैं तो अब सब्सटेंस को देखें जरा किसके अंदर ज़्यादा है, गैस के अंदर या लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो फिर जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस के अंदर, पोलर गैसेस के अंदर ज़्यादा है तो फिर हमें जो लिक्विड की तरफ जाना जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं उसकी तरफ जाना क्या होगा, आसान हो जाएगा। और अगर हम नॉन पोलर गैसेस की बात करें तो नॉन पोलर गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अवे मूव कर जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो वहाँ पर हमें जो गैस है उससे लिक्विड की तरफ जाना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हैं, कम। तो फिर हमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप करना पड़ेंगी ताकि हम उस गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर सकें, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है एज़ कम्पेयर टू द पोलर गैसेज। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर हमने बड़ी डिटेल से क्रिटिकल टेम्परेचर को और क्रिटिकल टेम्परेचर को हमने गैसेस के ऊपर अप्लाई करके देखा और उसकी रीज़न देखी, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो क्रिटिकल टेम्परेचर का एग्जांपल पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन क्रिटिकल प्रेशर का, या फिर इसी के रीज़न पूछ सकता है कि जो पोलर गैसेज होती हैं उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम क्यों होता है और नॉन पोलर गैसेज का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है। अब लास्ट पर
हम इसी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल टेम्परेचर, सीटी मींस क्रिटिकल टेम्परेचर, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर जो है वो साइज़ का है, कि जो एटम्स हैं या एटम के अंदर सॉरी मॉलिक्यूल के अंदर जो साइज एटम्स हैं उनका साइज कितना है। आपको पता है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें मेटल्स के लिए, तो फिर नीचे की तरफ जो मेटल का साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है, और जब मेटल का साइज इंक्रीज़ करता है तो फिर जब मेटल का साइज इंक्रीज़ करता है तो वहाँ पर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती चली जाती हैं। मैं फिर से आपको बताता चलूं, जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं तो फिर मेटल्स के लिए जब हम स्पेसिफिकली देखते हैं तो फिर टॉप से बॉटम जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज़ जब इंक्रीज़ करेगा तो फिर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर एटॉमिक फोर्सेस वो कम होती चली जाएंगी। और जब देखें तो फिर ये हमारे पास इफेक्ट हमने देख लिया कि जब साइज़ इंक्रीज़ होगा, जब साइज इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो कम हो जाएंगी, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी तो फिर हमने पीछे पढ़ा था कि जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जिसके अंदर कम होगी वहाँ पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या होगा, लो होगा। तो फिर हमने देख लिया कि चूँकि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो जितना साइज़ ज़्यादा होगा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस उतनी कम होगी और क्रिटिकल टेम्परेचर भी उतना ही कम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मेटल्स के लिए है। हाँ, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, जैसे 7A है पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पर जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं साइज तो इंक्रीज करता है। आयोडीन के केस में आप देखें साइज तो इंक्रीज करेगा, लेकिन वो जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी इंक्रीज करेगी, और जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो फिर वहाँ पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज करेंगी, और जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज करेंगी तो वहाँ पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ नॉन पोलर गैस। अगर हम शेप की बात करें तो शेप भी कुछ इसी तरह से ही है। शेप आपने पढ़ी होगी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, शेप कुछ इस तरह से होती है कि वो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है, वो ट्रायंगुलर भी हो सकती है, वो लीनियर भी हो सकती है। अब आपको पता है जब आप टेट्राहेड्रल की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे ही बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिग्मा यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। शेप में जब आप टेट्राहेड्रल की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। जब सारे के सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर वहाँ पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा ही होगा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर वो ज़्यादा होगा। तो ये हमने टेट्राहेड्रल के केस में देखा। और अगर इसी तरह से ट्रायंगुलर होगा तो वहाँ पर बॉन्ड्स वीकन होते चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो फिर जब बॉन्ड्स वीक होते चले जाएंगे तो फिर उनके दरमियान जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी कम होती चले जाएंगी, और जब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज कम होंगी तो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम ही होगा। और इसी तरह से इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज को तो हम सारे के सारे लेक्चर में हम डिटेल से देख चुके हैं कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ये क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती हैं। मैं इसको यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज हैं इसका जो फाइनल इक्वेशन जो हम रिजल्ट के तौर पर हम यहाँ से सारे के लेक्चर के अंदर डिड्यूस किया है वो ये है कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब जितनी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा उतना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, और जितनी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कम उतना क्रिटिकल टेम्परेचर कम। इसका सबूत आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अगेन कि ऑक्सीजन के अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या थी, कम। जब इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कम थी तो वहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या था, कम, 154.4 केल्विन। और अगर यही इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएं जैसा कि अमोनिया के केस में है, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हुई तो फिर वहाँ पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। इसको देखिएगा, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट भी यहाँ से काफ़ी बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये आ सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।